नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक स्केल के बारे में जिससे फिटिंग का साइज मापा जाता है, बोल्ट का साइज मापा जाता है, पाइप का ओडी मापा जाता है, आईडी मापा जाता है, ट्यूब का ओडी आईडी मापा जाता है, उसके बारे में आज बताएंगे। तो देखिए ये एक स्केल है, इसको वर्नियर स्केल बोला जाता है या इसको वर्नियर कैलिपर्स भी बोलते हैं, कोई इसको केवल वर्नियर भी बोलता है। तो इसका कई नाम है, वर्नियर बोल सकते हैं, वर्नियर स्केल बोल सकते हैं, वर्नियर कैलिपर बोल सकते हैं, सब इसी का नाम है, इसी को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक गेज दिया हुआ है, इस गेज का जो काम होता है वो पॉइंट को दिखलाता है, मतलब अगर 10.5 है तो पॉइंट इसमें दिखेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखा होगा जो भी इसमें नंबर है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये सब जो भी नंबर है इस सब में पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद वो नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे कोई भी नंबर है तो पॉइंट के बाद वो शो करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए ये इंडिकेशन चल रहा है, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये 10 है, यहाँ पे 10 है। तो ये क्या है, अभी जो शो कर रहा है यहाँ पे देखिए ये 10.4 शो कर रहा है, 10 से थोड़ा ज़्यादा है तो 10.4 शो कर रहा है अभी। ये यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे पूरा 10 शो कर रहा है, 10 मतलब 10 mm, ये mm में शो कर रहा है। इस तरह इससे मेजर किया जाता है। ये इससे जो है इससे ओडी मापते हैं, किसी भी चीज़ का ओडी मापते हैं, और ये जो दिया हुआ है इससे उसका आईडी मापा जाता है, किसी भी पाइप या कोई भी चीज़ हो, ट्यूब हो, उसका इससे इसके थ्रू आईडी मापते हैं और इसके थ्रू ओडी मापते हैं। देखिए इसको कैसे सेट करने पर ये फैल रहा है, तो इस तरह इसको एडजस्ट करके इससे ओडी मेजर किया जाता है और इससे आईडी मेजर किया जाता है। दूसरा बात है कि ये जो डायल है यहाँ पे ये एनालॉग दिया हुआ है, क्योंकि ये नंबर है 1, 2, 3 जो भी है ये एनालॉग है, ये सुई है, इसमें निडल है। एक डिजिटल वाला भी आता है, मतलब इसको निकाल करके इसके बदले में डिजिटल मतलब डिजिट में दिखाता है, 1, 2, 3, 4 रहता है उसमें, ये जो निडल है वो नहीं रहता है, वो डिजिट में शो करता है, तो उसको डिजिटल बोलते हैं, डिजिटल वर्नियर स्केल या डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स उसको बोला जाता है। इसके जो कुछ पॉइंट है उसको देखिए, ये देखिए ये जो इसका बटन है ये लॉक है, इसको अगर हम यहाँ से लॉक कर देंगे, इस तरह लॉक कर दिए, तब देखिए ये जल्दी से आगे पीछे नहीं जाएगा, होल्ड हो जाएगा। फिर इसको जब ओपन कर देंगे तो ये फिर इस तरह मूव करेगा और चलेगा, इस तरह इसका वर्क होता है। ये इसका कोई वर्क नहीं है, ये लॉक ही है। इस तरह ये वर्नियर स्केल वर्क करता है। देखिए इसका जो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे देखिए 150 mm शो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे 150 mm का ओडी या आईडी मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह इससे मेजरमेंट किया जाता है। ये देखिए इसको प्रेस करने पर ये मूव होता है, इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा, इस तरह एडजस्ट करते हैं इसको। ये लॉक है, ये लॉक कर देने के बाद ये आगे पीछे नहीं मूव करेगा। तो इस तरह यह वर्क करता है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।